minus 20 seconds. Minus 15 seconds. Whoa! Whoa! Hey! 10. 10. 10. 9. 9. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. हेलो, तो आज का ब्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं बहुत चलो बताता हूँ वीडियो से थंबनेल देख के समझ गए होगे मैं जा कर रहा हूँ, पर वाइफ समझो भाई की दिल से क्या फील आ रही है। अभी पता चला मेरे को कि बस का टाइम 12:30 है, तो मेरे पे 20 मिनट हैं, तो अच्छी बात है 20 मिनट है, मैं कुछ खा लूँगा। बिना खाए जा रहा था मैं कि टाइम नहीं था, तो मैंने कहा लेकिन अब 12:30 पर जा रही है तो कुछ खा के निकलता हूँ। भाई मज़ा आएगा, हो जाता है, देखते हैं। मेरे को पता है ऐसा ना लग रहा कि वहाँ जाके बोलूँ, वो कहते कि तुमको अंदर नहीं आने देंगे, पता नहीं क्या ही होगा। पर मतलब इमेजिन करो, तुम वहाँ गैलरी में बैठे हो और रॉकेट लॉन्च होगा भाई। अच्छा हाँ, तुम्हें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं फिलहाल जा रहा हूँ सतीश धवन स्पेस सेंटर में, और ये श्रीहरिकोटा में और तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। और इसमें सीन ये है कि अभी जो रॉकेट लॉन्च हो रहा है वो है PSLV C-53। और इस रॉकेट में ये क्या है कि जो इसमें जो लेकिन जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो शायद जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो शायद साउथ कोरिया से आई हैं, और फिर वो सारी सैटेलाइट्स वगैरह ऐसी हमारे इंडियन रॉकेट से लॉन्च होंगी। तो ये इंडिया का जो PSLV का मिशन है 55th मिशन है शायद, देखो हल्का फुल्का मेरे को रफली यार याद है जितना मैंने पढ़ा था, मुझे सबसे बता रहा हूँ। और बस रॉकेट लॉन्च होगा आज, मतलब ना ये कुछ चीज़ें जो बकेट लिस्ट में थी मेरे, जिसको मैं टिक करके काट सकता हूँ कि भाई ये चीज़ भी कर ली हमने, मतलब मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। अब हम लोग आ चुके हैं बस स्टैंड पे, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के चेहरे आएंगे, अगर उन्होंने कॉपीराइट मार दिया दिक्कत हो जाएगी भैया पद्मावत, तो लोगों के चेहरे छुपाने पड़ेंगे। पर हमें जाना उस बिल्डिंग पे, उस बस के पीछे जो बिल्डिंग दिखती है, और एक और लेसन आपको देना चाहिए, आपको बस स्टैंड पे कभी व्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए वरना कोई बस आपको ठोक के चली जाएगी। यार मेरे को यकीन सा नहीं हो रहा यार, हम सच में जा रहे हैं भाई एक रॉकेट लॉन्च देखने, मतलब क्या बताऊँ। तो पता है इसको बनने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इस स्पेस सेंटर को 2002 में बनाया था इन लोगों ने, स्पेस सेंटर को तो मूवीज़ बन चुकी है भाई इसको। हाँ मूवीज़ बन चुकी, हाँ वही तो 2002 में बनाया था, अब उसमें 2 लॉन्च पैड है फिलहाल इनके पास, और अभी तीसरा बनाने वाले हैं। 2002 में पहला बना था, 2005 में दूसरा बनाया, अब 2015 में जाकर शायद तीसरा सेंक्शन हुआ है, पर अभी तक बन नहीं पाया शायद, ऐसा कुछ सीन आ रहा है उसमें। चल देखते हैं श्रीहरिकोटा के लिए बस कहाँ से मिलेगी, पता करते हैं क्या है। अपन आ चुके हैं श्रीहरिकोटा, राइट? हाँ नहीं नहीं श्रीहरिकोटा जाना है, जैसे श्रीकालाहस्ती, श्रीकालाहस्ती है ये। और हमारा प्लान ये था कि हमें सुल्लूरपेटा जाना था डायरेक्ट, यस, पर लेकिन वी आर इडियट्स, हम जैसी श्रीहरिकोटा श्रीकालाहस्ती की बस में बैठे तभी सुल्लूरपेटा की बस हमारे से सामने निकल के चली गई, हम इसमें बैठ गए थे, तो फिर हमने सोचा कि श्रीकालाहस्ती में जाके हम बस बदल रहे हैं जो हमें सुल्लूरपेटा पहुंचाएगी, और फिर उसके बाद से हम श्रीहरिकोटा जाएंगे। लेट्स गो भाई साहब, अभी हम लोग जिस फ्लाइट से जा रहे हैं, जिस फ्लाइट से जा रहे हैं उस फ्लाइट में टर्बुलेंस आ रहा है। कौन कर रहा था ये सच्ची वाला, ये अपने हॉस्टल जैसे क्यों लग रहे हैं? ये बात तो रिवील नहीं करते हैं, ठीक है, और लड़कियां भी आएंगी नहीं, ऐसी मैं कॉलेज लड़की और ऐसे बोल दे फिर और नहीं आएंगी, ये पार्ट काट देंगे हम लोग। हम है कहाँ पे जाएगा, हम क्या सुल्लूरपेटा, तो हम सुल्लूरपेटा में आ चुके हैं और एक अंकल हमारे साथ हैं, उन्होंने हमारी हेल्प करी काफ़ी रास्ता बताने में, तो बढ़िया रहा क्योंकि वो वहीं पास में रहते हैं। तो हम यहाँ सुल्लूरपेटा से हम जा रहे हैं सार बस स्टैंड पे, ताकि उस बस स्टैंड पे हमें मेन RTC बस स्टैंड से सार बस स्टैंड पे जा रहे हैं, तो मेन RTC बस स्टैंड से हम सार बस स्टैंड पे जा रहे हैं, तो अब देखते हैं आगे पहुँचते हैं वहाँ पे। ये मार्केट बस ही है यार, पर इंटरेस्टिंग सा लग रहा है ना, नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। हाँ नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है कि भाई हम कहाँ कैंपस में रहते हैं, आसपास कुछ नहीं है वहाँ पे,
तो घर दिखते ही नहीं है हमें, तो यहाँ घर वर दिख रहा है, मज़ा सा आ रहा है। पूरा गाइड रास्ता क्लियर कर दे, अब अंकल जा रहे हैं, अंकल अपना रास्ता घर का रास्ता छोड़ करके हमें बताने के लिए आगे तक गाइड करने के लिए आए, जो कि मतलब खुशी से हो गई। इंसानियत जिंदा है ब्रो, जिंदा है। ये मार्केट में आ चुके हैं हम लोग, ये रेल लाइन एरी को जिसको हमें क्रॉस करना है आगे। बस स्टैंड लग नहीं था, मतलब था तो पर मतलब हम बस ज़्यादा थी नहीं, तो हम लोगों ने प्लान चीज कर हमने ऑटो पकड़ा। अब यहाँ से 22 किलोमीटर श्रीहरिकोटा, ये ऑटो वाले भैया हमें डायरेक्ट हमें श्रीहरिकोटा पहुँचा देंगे। अब हम उम्मीद करते हैं हम सेफली पहुँच जाए, बस मैंने अभी देखो पता, जैसे कि हम लोग जाते हैं लिखा होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस या फिर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल, भाई वहाँ पर लिखा हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अरे ना मैं बहुत बिल्कुल क्या है यहाँ पे, हाँ लैंड यहाँ पे बहुत सारे वो मिलेंगे, क्या कहते हैं पॉन्ड्स वगैरह, प्लास्टिक फ्रीज। हाँ अब हम थोड़ी नदियों को नदियाँ झीलों को पार करते हैं वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि हम उसके अरेबियन सी के क्लोज आ गए हैं, उनका अरेबियन सी हमसे फिलहाल अभी 30 किलोमीटर दूर होगा मैक्स टू मैक्स। ओह सॉरी, फाइनली यार या, या, हम लोग बस थोड़े दूर आगे, सॉरी यस ये है वो व्यू। अभी हमें आगे तक जाना है, टाइम लगेगा उसमें भी, अगर बस मिल गई तो बस में पहल पहल आ जाएंगे, वरना अभी मतलब बस में पहल पहल क्यों आएंगे, बस मिल गई तो मेरे मतलब बस मिल गई तो बस में चले जाएंगे, उन्हें पहल पहल तो जा ही रहे हैं, थोड़ा दूर है यहाँ से अभी, बस पहुँचते हैं फालतू में। भाई साहब मुझे देखने की लग रहा है, बंद कर देता हूँ। बहुत घातक चीज़ होगी अभी कि हमें वहाँ सिक्योरिटी चेकिंग हो रही थी उस साइड में, तो ना कि जब हम लोग ऐसे निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा कि अंकल ने पूछा हमसे कौन है, तो इसके शर्ट के पीछे ये लिखा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि भाई IIT है ना, जाने देने। अब हम हाई की कर रहा हूँ अपने ब्लॉग में, बताओ। सो वी आर फाइनली हियर, आ चुके हैं हम सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च व्यू गैलरी के अंदर, मतलब उसके अंदर अभी आई नहीं है पर हम दोनों साथ में किया, हम बस पहुंचने वाले हैं। क्या यार मतलब मज़ा ही आ गया आज से, आज मतलब मैं तो अभी तुमने देखा भी नहीं है वो, हमें रास्ते रास्ते में इतना मज़ा आ गया कि हम सेटिस्फाइड हैं अभी से ही। यस अभी बहुत खुश हैं, सिर्फ 20 मिनट्स टू द लॉन्च ब्रो। यार अरे बहुत ही अच्छा लग रहा है आज तो यार, मतलब थैंक यू गॉड थैंक यू। भाई मुझे रॉकेट देखना है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ से। यार अरे वहाँ पे सुमिता विलियम्स की फोटो लगी है और कल्पना चावला की फोटो लगी है शायद, मैं सुमिता कह रहा हूँ, सुनीता विलियम नाम था भाई, सॉरी। चलो यार रॉकेट तो दिख ही नहीं रहा यार। The countdown time for this particular mission has been 26 hours long. Commenced at 4 p.m. yesterday, during which the launch vehicle and the satellite systems have been checked. Onboard batteries were charged and liquid propellants, owing to their toxicity, were serviced with utmost regard to safety. यार वो तो दिख ही नहीं रहा। Meanwhile, the tagging systems gear up. पता नहीं कुछ रिक्वेस्ट करी इन्होंने, जिसे नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल कहा जाता है, इसके उपयोग से अभिवृत्ति स्थिरीकरण प्राप्त किया जाएगा। इसे PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल कहा जाता है,
शॉर्ट में POEM पोएम। इस भारतीय एसएलबीसी 53 में 6 निर्भारों का वहन करेगा जिसमें उग्र तैयार किए हैं उनके लिए भी यह बहुत ही रोमांच का समय होता है। Everyone is excited. मेरी घड़ी एग्जैक्ट ही चल रही है ना। And the altitude attained is 49 kilometers. At 51 kilometers. Second stage initiated. Cross rope guidance initiated. प्रथम चरण पृथक कर दिया गया है यान से तथा फर्स्ट स्टेज कंप्लीटेड हो चुका है। स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। You can see the flight events on your TV screens. The recent one has been the initiation of closed loop guidance and PS2 currently operating. Not visible now. It is 2.5 minutes from the launch. Dvitiya charan. Shubham. And just a kid gazing at its stars. Bro, it happened, bro. DSEO को अंतर्क्षेपित कर दिया गया है उनके प्रदेश कक्षा में. Indeed, a jubilant moment here in Mission Control Center as the prime satellite DSEO has been injected into its intended orbit. Hey, Bharat! DSEO mission is fully accomplished. Mission complete, bro! Let's go! The PSLV-C53 has accomplished its mission successfully. Hearty congratulations to the satellite customers. Another feather in the cap of ISRO. And as we take leave from you, you continue to stay healthy and happy. Stay tuned for the address by security TOS and Chairman ISRO.
जी हाँ, हर्ष पापा यहाँ तीनों उपग्रह उनके उद्देश्य कक्षा में अंतर्भूत कर दिए गए हैं और इसके साथ ही पीएसएलवी C-53 टीएसईओ मिशन सफलतापूर्ण हासिल कर लिया है। मिशन अकम्प्लिश्ड ब्रो।